वेलकम टू आईएनटी सीबीटी। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका मैनेजिंग ड्राइवर्स एंड हार्डवेयर डिवाइसेस पार्ट टू। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डिवाइस मैनेजर के बारे में कि डिवाइस मैनेजर क्या होता है, अब इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि डिवाइस मैनेजर को कैसे यूज किया जाए। तो डिवाइस मैनेजर को एक्सेस करने के लिए आप जाएंगे स्टार्ट पे, माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और आप क्लिक कीजिए डिवाइस मैनेजर पे। तो ये आपकी डिवाइस मैनेजर की विंडो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो यहाँ व्यू दिख रहा है आपको, ये डिवाइसेस बाय टाइप है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते कि मेरी डिस्क ड्राइव्स, जो मेरी यहाँ पे जितनी भी ड्राइव्स मेरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है वो आप यहाँ देख सकते हैं। डिस्प्ले अडाप्टर्स यहाँ देख सकते हैं, सीडी रोम्स। इसके अलावा आप कुछ इमेजिंग डिवाइसेस देखना चाहते हैं तो इमेजिंग डिवाइसेस आप यहाँ से देख सकते हैं। कीबोर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं, कीबोर्ड जो अटैच्ड है। पॉइंटिंग डिवाइसेस, जो मेरा माउस वगैरह जो कनेक्ट है आप वो यहाँ से देख सकते हैं। मॉडेम आप यहाँ से देख सकते हैं। मॉनिटर कौन सा कनेक्ट है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। नेटवर्क अडाप्टर आपको यहाँ से दिख जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रोसेसर देखना चाहते हैं तो प्रोसेसर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। और साउंड देखना चाहते हैं, साउंड के डिवाइसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यहां से मिल जाएगी। ओके, अगर आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा डिवाइसेस है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा डिवाइस है जो कि प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो आपको इस लिस्ट में ऐसे येलो एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ दिख जाएगा, येलो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ दिख जाएगा। ठीक है, अब जब भी आप विंडोज 7 का फ्रेश इंस्टॉल करते हैं और आप ये पता करना चाहते हैं कि जो जितने भी डिवाइस है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हुए या नहीं, ये देखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। ठीक है, कि आप डिवाइस मैनेजर में आइए और देख लीजिए कि यहां पे किसी डिवाइस पे येलो एक्सक्लेमेशन मार्क तो नहीं है। ठीक है, इस प्रॉब्लम के जनरली दो रीजन है। पहला रीजन तो ये होता है कि आपका जो विंडोज जो है वो इस डिवाइस का ड्राइवर ही क्या नहीं कर पा रहा है, लोकेट नहीं कर पा रहा है, फाउंड नहीं कर पा रहा है। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका ये जो डिवाइस है वो ही सिस्टम में अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, तो अगर ये प्रॉब्लम ड्राइवर की वजह से है तो ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए आप क्या कीजिए, इसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप ऑटोमेटिकली सर्च करवाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, और अगर आपका ड्राइवर आपके कंप्यूटर में कहीं पड़ा हुआ है और आप लोकेट करना चाहते हैं, आप सेकंड ऑप्शन का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं तो सेकंड ऑप्शन जो मुझे मिल रहा है वो है डिसेबल। अगर आप इस डिवाइस को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। जब आप डिसेबल पे क्लिक करते हैं, जब आप डिसेबल किसी डिवाइस को डिसेबल कर देते हैं तो उसका ड्राइवर आपके सिस्टम के अंदर लोड नहीं होगा, विंडोज के अंदर लोड नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या फायदा है, जैसे कि अगर आपका सिस्टम अगर बार बार क्रैश हो रहा है, क्या हो रहा है, आपका सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा है और आपका आपको ऐसा लगता है कि मेरे इस डिवाइस ड्राइवर की वजह से क्या हो रहा है, मेरा सिस्टम क्रैश हो रहा है बार बार। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम आपने क्या किया, सपोज इमेजिन कीजिए कि लास्ट टाइम आपने क्या किया, इसका डिवाइस ड्राइवर, इस डिवाइस को क्या किया, इसका डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल किया और इंस्टॉल करने के बाद ड्राइवर आपका सिस्टम क्या हो रहा है, बार बार क्रैश हो रहा है और आपको आपको ये लगता है कि मेरा जो सिस्टम क्रैश हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इस डिवाइस ड्राइवर की वजह से क्रैश हो रहा है। तो आप उस कंडीशन में क्या कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए और चेक कर लीजिए। डिसेबल करके क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपका सिस्टम अभी भी क्रैश हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यार इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। अगर मैं जैसे यस करूंगा वैसे ही आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे एक डाउन ब्लैक एरो मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको भी इनेबल कर देता हूं वापिस से। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अब मुझे इस डिवाइस की अपने सिस्टम के अंदर कोई जरूरत नहीं है, मैं क्या करना चाहता हूं, इसको अनइंस्टॉल करना चाहता हूं, तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए और आपके सिस्टम को क्या कर, इस डिवाइस को क्या कर दीजिए, सिस्टम से रिमूव कर दीजिए। ठीक है,
बट एक चीज ध्यान रखिए कि अगर ये डिवाइस अभी भी आपने रिमूव नहीं किया, ये अभी भी आपके सिस्टम में अवेलेबल है, तो विंडोज क्या करेगा, इस डिवाइस को फिर से डिटेक्ट कर लेगा और इसका डिवाइस ड्राइवर फिर से इंस्टॉल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी मैं इसको अनइंस्टॉल कुछ भी नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलेगा आपको, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस। आजकल अगर आप सिस्टम में कोई भी हार्डवेयर अटैच करेंगे तो विंडोज को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके इस लिस्ट में क्या कर देगा, शो कर देगा। बट फिर भी अगर आप कोई डिवाइस ऐड करते हैं और वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है आपका सिस्टम, तो उसके लिए उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस पे क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, तो वो आपको उस डिवाइस को क्या कर लेगा, जो भी नया डिवाइस एड हुआ उसको स्कैन करके क्या कर देगा, यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, यही ऑप्शन आपको रूट पे भी मिल जाएगा, रूट पे आप राइट क्लिक करके स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे भी। अगर आपको डिवाइस के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप किसके ऊपर क्लिक कीजिए, उस डिवाइस के ऊपर क्लिक करके कहां पे जाइए, उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाइए। यहां पे जनरल टैब में आपको डिवाइस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, डिवाइस की स्टेटस मिल जाएगी कि डिवाइस, यहां पे आप देख सकते हैं कि दिस डिवाइस इज वर्किंग प्रॉपरली। ओके, नेक्स्ट जब आप क्लिक करेंगे ड्राइवर्स के बारे में बात करते हैं, ड्राइवर्स टैब पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका जो ड्राइवर है वो किस कंपनी का है, ड्राइवर की डेट क्या है, किस दिन बना था, ड्राइवर का वर्जन क्या है, ओके, और वो डिजिटली साइन है या नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ मिल जाएगी, आपको ड्राइवर टैब में मिल जाएगी। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका ड्राइवर किन किन फाइलों को यूज कर रहा है, तो आप किस पे क्लिक कीजिए, ड्राइवर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए, आपको सारी फाइलें बता देगा जो कि आपका नेटवर्क कार्ड क्या कर रहा है, का ड्राइवर उन सभी जिन फाइलों को यूज कर रहा है वो सारी फाइलें क्या कर देगा, यहाँ पे शो कर देगा। अगर आप ड्राइवर को क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, तो आप किस पे क्लिक कीजिए, अपडेट ड्राइवर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, रोल बैक ड्राइवर, अगर आपने ड्राइवर अपडेट किया और ड्राइवर अपडेट करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ड्राइवर की वजह अपडेट करने के बाद क्या, अगर आपने कोई इश्यू फेस किए, जैसे आपका कंप्यूटर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, बीएसओडी प्रॉब्लम आ रही है आपको, या क्रैश हो रहा है क्योंकि ड्राइवर अपडेट की वजह से, तो उस कंडीशन में आप क्या जाना चाहेंगे, प्रीवियस ड्राइवर पे वापस से जाना चाहेंगे, तो उस कंडीशन में आप किस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, रोल बैक ड्राइवर के ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। डिसेबल, अगर आप आपके ड्राइवर को डिसेबल करना चाहते हैं, आपके डिवाइस को डिसेबल करना चाहते हैं, तो आप किसका यूज कर सकते हैं, इस डिसेबल टैब का यूज कर सकते हैं। आप आपके डिवाइस को अनइंस्टॉल करने के लिए या फिर ड्राइवर को अनइंस्टॉल करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं, अनइंस्टॉल टैब का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एडवांस टैब के बारे में। एडवांस टैब में आपको जनरली कुछ सेटिंग अगर आपको करना है, बेसिक सेटिंग जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपको स्पीड या डुप्लेक्स सेट करना है आपके नेटवर्क कार्ड का, तो आप एडवांस सेटिंग को यूज कर सकते हैं कि मेरी नेटवर्क कार्ड की स्पीड क्या रहे और उसका डुप्लेक्स किस टाइप का रहे। और बाय डिफॉल्ट जो ये होता है वो क्या होता है, ऑटो नेगोशिएशन होता है। तो और आप अगर चाहते हैं कि आपका जो शटडाउन या फिर बैकअप ऑन लेन इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं, तो आप किस सेटिंग का यूज करेंगे, एडवांस सेटिंग का यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टैब है आपका डिटेल टैब। डिटेल्स टैब में आपको इसके बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको इस डिवाइस के बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप किसका यूज करेंगे, डिटेल टैब का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हार्डवेयर आईडी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है। इसके अलावा आपको इंस्टॉल कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे आप जाएंगे तो इंस्टॉल डेट, किस डेट को इंस्टॉल किया गया वो डेट आपको यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ड्राइवर असेंबली डेट, ड्राइवर किस तारीख को बना वो आप डेट देख सकते हैं, और ड्राइवर असेंबली डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, वर्जन देख सकते हैं कि क्या वर्जन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट जो थिंग है वो है आपका हार्डवेयर आईडीज। सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, हार्डवेयर आईडीज।
इसका यूज आप इसलिए भी कर सकते हैं अगर आप की नहीं जानते हैं कि डिवाइस किस टाइप का है, क्या है ये डिवाइस, आपको इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इस हार्डवेयर आईडी को जो कि यूनिक आईडी है उसको क्या कीजिए, कॉपी कीजिए आपके सर्च इंजन पे, गूगल पे पेस्ट कीजिए, तो वो गूगल सर्च इंजन आपको इस डिवाइस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा कि क्या है, कि क्या काम करता है, सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। और आप इस डिवाइस आईडी के थ्रू इसका ड्राइवर भी क्या कर सकते हैं, इस डिवाइस का ड्राइवर भी क्या कर सकते हैं, सर्च करने का काम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप इस डिवाइस आईडी के थ्रू आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि आप इस डिवाइस को इंस्टॉल होने से रोकना चाहते हैं आपके सिस्टम में, तो आप इस डिवाइस आईडी को यूज, हार्डवेयर आईडी को यूज कीजिए और उसके थ्रू उसको आपकी ग्रुप पॉलिसी में सेटिंग कर दीजिए इसकी। तो उसके बाद जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा उस वक्त ये आपका डिवाइस लोड नहीं, इंस्टॉल नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए भी क्या कर सकते हैं, आप डिटेल टैब का यूज कर सकते हैं। तो हार्डवेयर आईडी का यूज हम बाद में करके देखेंगे, अभी हम देखते हैं रिसोर्सेज टैब। रिसोर्सेज टैब में आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी आयो रेंजेस ये यूज करता है और हर डिवाइस क्या करता है, कोई ना कोई मेमोरी में क्या करता है, अपना स्पेस अलोकेट करता है। तो ये जो डिवाइस है वो मेमोरी में कौन कौन सा एड्रेस यूज कर रहा है वो आप यहां से देख सकते हैं, और इसके साथ आप ये देख सकते हैं कि ये डिवाइस कौन सी IRQ वैल्यू को यूज कर रहा है। अब IRQ क्या होता है, IRQ का मतलब होता है इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्यू। इसका यूज इसलिए किया जाता है कि एट अ टाइम आपका प्रोसेसर कई सारी प्रोसेसेस को एक साथ करता है, ठीक है, उसको एट अ टाइम पे आपका कीबोर्ड भी प्रोसेस भेज रहा है, आपका प्रिंटर वो भी प्रोसेसेस भेज रहा है, आपका माउस प्रोसेसेस भेज रहा है, इसके अलावा आपके हार्ड डिस्क से प्रोसेसेस जा रही है, रैम से प्रोसेस जा रही है, हर डिवाइस जो है वो क्या कर रहा है, आपके सीपीयू को कोई ना कोई प्रोसेसेस क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, और प्रोसेसर उन सब प्रोसेसेस को एक साथ प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, कमांड भेज रहा है और उन कमांड्स को एक साथ क्या कर रहा है, प्रोसेसर प्रोसेस कर रहा है। तो अब प्रोसेसर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, वो आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि कौन सी कमांड किसके थ्रू आई है, कौन से डिवाइस से आई है। तो उस कंडीशन में जो आपका डिवाइस है, आपका जो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर IRQ वैल्यू को क्या करता है, यूज करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो जो कमांड आई है वो किस डिवाइस से आई है। इसके लिए किसका यूज करता है, वो IRQ वैल्यू का यूज करता है, ठीक है। तो ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिल जाएगी, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर्टीज से मिल जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो ये व्यू है वो डिवाइस टाइप है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कई सारे क्या है, डिवाइसेस हिडन है, अगर आप उन हिडन डिवाइसेस को भी देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, शो हिडन डिवाइसेस पे क्लिक कीजिए, वो जितने भी हिडन डिवाइसेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं L2TP, PPTP, SSTP, इसके अलावा आपको कई सारे नॉन प्लग एंड प्ले डिवाइसेस ये सारे दिख जाएंगे। तो अगर ये सारे हिडन डिवाइसेस आप देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, व्यू से आप किसको सिलेक्ट कर सकते हैं, शो हिडन डिवाइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर देता हूं, इसको अनसिलेक्ट कर देता हूं। दूसरा व्यू आपको दिख रहा है डिवाइसेस बाय कनेक्शन। ये जो व्यू है वो किस टाइप का है, कनेक्शन व्यू है, कि कनेक्शन व्यू आप देख सकते हैं। अगला जो व्यू है वो है रिसोर्सेज बाय टाइप, ठीक है। सारे रिसोर्सेज टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपको IRQ की डिटेल चाहिए तो ये सारी IRQ की डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि कौन सा डिवाइस कौन सी IRQ वैल्यू को यूज कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन। मेमोरी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा डिवाइस कौन सी मेमोरी को यूज कर रहा है, कौन से एड्रेस को यूज कर रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको मेमोरी से मिल जाएगी। सेम रिसोर्सेज बाय आप कनेक्शन देख सकते हैं, ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन आपको मेमोरी की और IRQ की आपको यहां से भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन हमने, तो ये सारी चीजें किसमें कवर करनी है, हमने इस टॉपिक में कवर करी। इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।